नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिलेश शर्मा और SNN 7 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। सेंधवा प्रदेश में 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कह रही थी कि सरकार गिरेगी और आपसी कलह के कारण ही गिरेगी, और आपने देखा कि आपसी कलह से कांग्रेस की सरकार गिर गई। यह कथन मध्य प्रदेश में पूर्व में भाजपा की सरकार में मंत्री रहे अंतर सिंह आर्य द्वारा मध्य प्रदेश में हुए सियासी घटनाक्रम में भाजपा की सरकार बनते देख आज प्रेस वार्ता कर कहे गए। आर्य ने इसके अलावा भी 15 महीने की कांग्रेस सरकार के क्रियाकलापों तथा पूर्व में भाजपा द्वारा किए गए वादों, साथ ही राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर काफ़ी कुछ कहा। सुनिए श्री आर्य उवाच। 15 महीने की कांग्रेस सरकार के बाद पुनः सत्ता वापसी के संकेत मिले हैं भाजपा को, क्या कहेंगे? देखिए, प्रदेश में 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही बोल रही थी कि यदि अगर कहीं गिरेगी तो आपसी कलह के कारण, आपस में विरोध के कारण सरकार गिरेगी। और कल पूरे प्रदेश की जनता ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया और सरकार गिर गई। प्रेस वार्ता कर रहे हैं आप, क्या कारण? देखिए, ताकि मेरे क्षेत्र, अपने विधानसभा क्षेत्र जिले का मामला है, क्योंकि हम इस क्षेत्र में बहुत से काम अधूरे हैं। मेरा एक कुछ सपना था जो मेरे 15 साल के कार्यकाल में जो मैंने काम किए, और कुछ काम जो अधूरे रह गए थे, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम, मतलब जो हम अधूरे जो काम है हमारे सेंधवा विधानसभा क्षेत्र के, उसको हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। जिसमें हमारी महत्वपूर्ण एक योजना थी कि भाई हमारा नर्मदा, माँ नर्मदा का जो लिफ्ट एरिगेशन का हमारा जो प्लान था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने उस समय भी अनुरोध किया था कि भाई ये नर्मदा का पानी हमारे सेंधवा विधानसभा के, विशेषकर सेंधवा तहसील का जो प्लान है, उसको हम फिर से, इस मुद्दे को हम उठाएंगे। मैं समझता हूँ कि हम उस नर्मदा के जल लाने में हम सफल रहेंगे। और भी बहुत सी बातें क्षेत्र के अंदर हैं जो जनता परेशान है, चाहे आम जनता हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अन्य लोग। इस कांग्रेस की सरकार ने हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन के परेशान किया है। हम चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश में एक कानून का राज कायम हो, ऐसा हमारे जिले में, हमारे तहसील में इस प्रकार से शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था ठीक रहे, ये हमारा प्रयास होगा। जो योजनाएं इस सरकार ने बंद कर दी थी, क्या वो योजनाएं फिर से चालू करेगी? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो जन कल्याणकारी योजना प्रारंभ की थी और उसको कांग्रेस सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। और हमारा प्रयास हो कि हमारी सरकार के समय जो योजना जो चालू हुई थी, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कितनी महत्वपूर्ण योजना थी, पर मध्य प्रदेश के अंदर कई जगहों पे सामूहिक विवाह हुए, उसका आज तक एक रुपया भी, मतलब हितग्राहियों को नहीं मिला। और मैं समझता हूँ कि मेरे क्षेत्र में तो कोई विवाह का कार्यक्रम भी नहीं हुआ। हमारी सरकार बनेगी, आने वाले समय में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को हम पुनः प्रारंभ करेंगे, और अन्य जो योजना है, जो भी हमारे प्रदेश के मुखिया बनेंगे उनसे आग्रह करेंगे कि भाई हमारी सरकार की योजना को फिर से आप चालू करें ताकि जनता का कल्याण हो सके। पूर्व सरकार में मंत्री रहे हैं आप, पूरी तीनों बार मंत्री पद से नवाजा गया है आपको, क्या उम्मीद करते हैं नई सरकार बनती है भाजपा की तो कोई नई जिम्मेदारी मिलने की दरकार है? देखो, हम तो पार्टी, जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता है। हमें खुशी है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही,
पद मिले न मिले, परंतु हमको पार्टी को और मजबूत करने के लिए हम संगठन को मजबूत करेंगे। हमारी सरकार की जो योजना होगी हमारे क्षेत्र के अंदर उसको क्रियान्वयन करने के ऊपर हम लोग जोर देंगे। राज्यसभा चुनाव को किस तरह देखते हैं आप नई परिस्थितियों में? देखिए, राज्यसभा चुनाव एक हमारे छोटे से कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बड़वानी जिले के ठान ग्राम के एक छोटा कार्यकर्ता सुमेर सिंह सोलंकी जो एक प्रोफेसर हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। मैं मध्य प्रदेश और देश की आदिवासी जनता की ओर से भारतीय जनता पार्टी के का नेतृत्व को मैं आभार भी मानता हूँ। यह हमारे आदिवासी के लिए सम्मान की चीज़ है, क्योंकि निमाड़ के अंदर पहली बार राज्यसभा के अंदर एक आदिवासी को मौका मिला है। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे आपने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पक्षपात और इस प्रकार का रवैया हुआ, सेंधवा क्षेत्र में भी जो संग्राम सिसोदिया उस पर कार्रवाई हुई थी उस वक्त आपने आरोप लगाया? अरे आने को उदाहरण है, संग्राम को छोड़ के अन्य कई ऐसे कार्यकर्ता है उनको भी प्रताड़ित किया है। आप सबको मालूम है कि जहाँ सेंधवा के अंदर न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रताड़ित हुए हैं और इसमें कर्मचारियों का तो पूरी तरह से शोषण हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि चुनाव के बाद जो भी जनप्रतिनिधि बनता है उसका काम है कि भाई किसी की भी समस्या हो उसका समाधान करना चाहिए। इस प्रकार की जो गतिविधियां है इस पर आप अंकुश लगाएंगे? लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इस प्रकार का जो अत्याचार हो रहा वो हम सहन नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन की भूमिका को लेके क्या कहेंगे? 15 महीने में पुलिस प्रशासन किस तरह से कार्य करता रहा? देखिए, जो तो ऐसा है कि वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि हम 15 साल तक इस सरकार में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने किसी भी तरह से न तो जनता को परेशान होने दिया, न ही कर्मचारियों को परेशान होना दिया। उनका एक ही काम है, सरकार ने जो आदेश दिए हैं, जो लाइन ऑर्डर का मामला है वो एकदम ठीक होना चाहिए। सरकार की जन कल्याणकारी जो भी योजना है क्रियान्वयन करने का काम प्रशासन का। कांग्रेस की सरकार और यहाँ के क्षेत्र के विधायक ने इस क्षेत्र के लिए क्या किया? यहाँ तो एक ही काम है कि भारतीय जनता पार्टी और मैंने जितने भी जो प्रोजेक्ट लाए, या तो उसका भूमि पूजन कर रहे हैं, या शिलान्यास कर रहे हैं, या उसका निरीक्षण कर रहे हैं, पर एक भी चीज सेंधवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस की सरकार ने, यहाँ के जनप्रतिनिधि ने एक भी काम नहीं किया है। इस क्षेत्र में पूर्व जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी जो भी अधूरे जो काम है उसको हम पूरा कराएंगे और हमारी सरकार की जो भी योजना होगी उसको सही तरीके से नीचे धरातल तक।